ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण का या फिर जन्माष्टमी का पूजन व्रत करते हैं उन्हें खास तौर पे यह बात तो मालूम होनी चाहिए। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर घंटी बजाते हैं या फिर शंख का नाद करते हैं, क्या यह सही है या फिर गलत। इसके अलावा आज के इस वीडियो में अन्य भी बहुत प्रकार की आपको जानकारियां मिलने वाली हैं। मन के कई सारे उलझने भी दूर होंगी, साथ ही पूजा की विधि भी शेयर करने वाली हूँ। किस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी में हमें पूजन व्रत करना चाहिए और कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्ध रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। साल 2023 में यह संयोग वापस से निर्माण हो रहा है, यह बहुत ही दुर्लभ होने वाला है। साल 2023 की जो जन्माष्टमी है यह बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि इस वर्ष भी जो जन्माष्टमी का त्योहार है यह रोहिणी नक्षत्र में ही मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र का इस दिन निर्माण हो रहा है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, पहले तो उन्हें इस बात को बताना चाहती हूँ दोस्तों, वैसे भी हमारे पुराणों में कहा गया है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं वह अपने जीवन में चाहे जितने भी व्रत को धारण कर लें लेकिन उन्हें संपूर्ण सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन किसी भी कारणवश अनेक प्रकार की सुविधाएं और असुविधाएं लोगों के साथ होती हैं किसी न किसी प्रकार की, और भगवान सबसे पहले आपके भाव को देखते हैं। यदि आपके मन में इच्छा है लेकिन आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत या फिर एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में आपके मन के भाव को प्रभु जी समझ जाते हैं और आपके मन के भाव के अनुसार ही आपको फल प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी आपसे एक बहुत ही खास बात बता रही हूँ, यदि आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हमारे पुराणों में भी ऐसा वर्णित किया गया है, जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें 2 करोड़ एकादशी के व्रत से मिलने वाले जो पुण्य फल होते हैं, जो 2 करोड़ एकादशी का व्रत हम करेंगे और उससे जो फलों की प्राप्ति हमें होगी, जिस प्रकार की भक्ति हमें मिलने वाली है, मोक्ष की प्राप्ति मिलने वाली है, वह मात्र 1 जन्माष्टमी का व्रत करने से मिलता है। जन्माष्टमी का व्रत करने वाले जितने भी भक्त हैं उन सभी को ध्यान रखना चाहिए कि यह व्रत अष्टमी तिथि को किया जाता है। अष्टमी तिथि के एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि की संध्या के समय से ही हमें अनाज का सेवन बंद कर देना चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए। आप किसी भी तरह के फलों का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो साबूदाना या फिर आलू की खीर खिचड़ी वगैरह खा सकते हैं, लेकिन अनाज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह व्रत जो है जो सप्तमी तिथि होती है उसकी संध्या से ही शुरू हो जाती है। अष्टमी तिथि को पूरी तरह से व्रत का जो है पालन किया जाता है और नवमी को हमें व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत जो खोलने का नियम है वह नवमी तिथि को माना जाता है। जन्माष्टमी का पूजन 2 समय खास तौर पे किया जाता है। 1 सुबह के समय जब हम संकल्प लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सामने हमें संकल्प लेना होता है, अपना नाम गोत्र स्थान वगैरह बोलते हुए और पूजा का व्रत का संकल्प लेना होता है। 1 बार तब पूजन करना होता है और संपूर्ण पूजन जो प्रक्रिया की जाती है वह अर्ध रात्रि को की जाती है, 12 बजे। 12 बजे खास तौर पे पूजा किया जाता है। कान्हा जी का हम भोग लगाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, जन्म उनका कराते हैं, ये सभी चीज़ें अर्ध रात्रि में की जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी बहुत असमंजस में हैं और इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे भी जा रहे हैं, तभी यह वीडियो मुझे बनाना भी पड़ा। बहुत सारे लोग इस तरह का पता नहीं कहाँ से उनके समझ में आ रहा है या फिर यह बातें कहाँ से आ रही हैं कि जब अर्धरात्रि में हम पूजन करेंगे तब घंटी या फिर शंख का नाद नहीं करना चाहिए। अमूमन यही होता है कि हम रात्रि में जब पूजन करते हैं तब घंटी और शंख का नाद नहीं किया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जो अर्धरात्रि में हम उनका पूजन करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है तब खास तौर पे विशेष तौर पे जो है शंख या फिर इस तरह की जो पवित्र ध्वनियाँ होती हैं
जो भी घंटी होती है, नाद होता है, इनका जो हम ध्वनि उत्पाद करते हैं, इनका खास तौर पे किया जाता है, बहुत ज़्यादा विशेष होता है, बहुत महत्व रखता है। इस दिन सबसे पहले आपको कान्हा जी के जन्म उत्सव पर जो है घंटी और शंख का नाद तो किया ही जाता है, जो घर के आगे मुख्य द्वार होता है वहां पर भी हमें इस तरह की शुभ ध्वनियों का नाद करना चाहिए। कहा जाता है कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर अर्धरात्रि के समय जो भी व्यक्ति अपने मुख्य द्वार पर घंटी या फिर शंख का या उत्तम इस तरह की जो शुभ ध्वनियां होती हैं उसका नाद करता है, उसको बजाते हैं, उन घरों में कभी भी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती है या फिर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद होती हैं वह भी भाग जाती हैं। उस घर में जो है हमेशा देवत्व का वास होता है, इसलिए आप अपने मन से व्यर्थ के इस तरह के प्रश्न या असमंजस की जो स्थिति है इसे बाहर निकालें। अब इसके बाद हम जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पे जो हम व्रत करते हैं इसका पारण हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार से हमें नियमों का ध्यान रखना आवश्यक होता है ताकि पूजा के पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके, उसी प्रकार से हमें पारण का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हर पूजा पाठ में पारण का नियम खास होता है, उसी तरह से जन्माष्टमी पर भी जो पारण किया जाता है उसके निमित्त कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पारण हमें किस चीज से करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लें कि जो नवमी तिथि का उदया समय होता है उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए, यानी कि नवमी तिथि में हमें पारण करना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात कि पारण किस चीज़ से करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जो हम ये जन्मोत्सव मनवाते हैं या मनाते हैं, इस दिन हमें तुलसी जी के पौधे का, तुलसी दल का विशेष महत्व होता है, इस दिन तुलसी पूजा भी की जाती है। तो व्रत का पारण या तो आप तुलसी दल से कर सकते हैं या फिर आप चरणामृत से कर सकते हैं या फिर पंचामृत से कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा इन्हीं तीन चीज़ों से करना शुभ माना जाता है और संपूर्ण फलों के प्राप्ति के लिए भी यही तीन चीज से आप अपने व्रत का पारण करें, तभी जन्माष्टमी का पूर्ण फल आपको प्रदान होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।